स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। लैंड फॉर जॉब मामले में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। पहली बार इस मामले में कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समन किया गया है। आपको बता दें, ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट को एक्सेप्ट करने के बाद 18 दिन पहले कोर्ट ने लालू परिवार समेत 8 आरोपियों को इस मामले में समन भेजा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। चार्जशीट में एजेंसी ने बताया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे। आरोपी के अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तीनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यानी कि साफ तौर पर कहें तो लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, चूंकि कहीं ना कहीं अब मुश्किलें लालू परिवार की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आज पेशी होनी है। बिल्कुल, आज पेशी होनी है। पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बाकी जो 6 आरोपी हैं उनको पेशी के लिए समन जारी किया था। कुछ ही देर बाद जो 9 आरोपी हैं, जिसमें लालू और उनके दोनों बेटे और 6 आरोपी शामिल हैं, वो कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद उम्मीद ये है कि इस मामले में जो एक प्रक्रिया होती है कि जमानत की अर्जी दाखिल की जाती है, जमानत मिल भी जाती है, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसके बाद चार्जशीट और उससे जुड़े जो दस्तावेज है वो आरोपियों के वकीलों को दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला चरण शुरू होगा वो आरोप तय करने को लेकर के बहस का होगा। और आरोप तय करने को लेकर के बहस शुरू होने से पहले कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेज आरोपियों के वकील को मिल जाए, ताकि वो आगे अपने आप को जीरे के लिए तैयार कर सके। तो वो सारी प्रक्रिया होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि तेज प्रताप यादव का नाम पहली बार इस केस में आया है। हालांकि चार्जशीट में उनको आरोपी के तौर पर लिस्ट नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पिछली बार जब कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट ने माना कि जो सबूत उसके सामने रखे गए हैं उसके मद्देनजर तेज प्रताप यादव की सहभागिता से भी इनकार नहीं किया सकता। तो तेज प्रताप यादव को भी आज कोर्ट में पेश होना है। जब कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था तो ईडी की तरफ से जो केस रखा गया था कोर्ट में चार्जशीट के तौर पर, उसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया जो सबूत जांच एजेंसी की तरफ से रखे गए हैं, जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं, वो इस बात के लिए काफी हैं कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने समन जारी किया था पेशी के लिए। यानी पहली नजर में आप मान सकते हैं कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मतलब ही ये है कि कोर्ट कन्विंस है कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं उसके मद्देनजर कम से कम आरोपियों को समन करने का मामला तो बनता ही है। अब इस मामले में जो अगली कानूनी प्रक्रिया होगी वो आरोप तय करने को लेकर की होगी, लेकिन उससे पहले इस मामले में कोर्ट ईडी के वकील और जो आरोपियों के वकील है उनकी जिरह को सुनेगा और उसके बाद कोर्ट इस मामले में आगे आरोप तय करने की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल अरविंद, यानी कि आज की पेशी के बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएगी कि कितनी मुश्किलें बढ़ती है या फिर क्या कुछ विकल्प खुले रहते हैं। जिस दिन चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उसी दिन उन मुश्किलों में एक नया इजाफा हो गया था और उसके बाद जो आगे कानूनी प्रक्रिया बढ़ती है वो उस तरह आगे बढ़ेगी। अभी लालू यादव के पास, उनके परिवार के पास अगर कानूनी राहत के विकल्प की बात करें तो अभी जब आरोप तय करने को लेकर के बहस होगी तो उनके पास एक मौका होगा कि वो कोर्ट को कन्विंस कर सके कि जो आरोप चार्जशीट में लगाए गए हैं वो आरोप उन पर बनते नहीं है। और ऐसे में जब कोर्ट आरोप तय करने को लेकर आगे आदेश देगा तो कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जो चार्जशीट में जिन धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है क्या उन्हीं धाराओं को आगे बरकरार रखा जाए, या फिर कोर्ट के पास इस बात का विकल्प भी रहता है कि उन आरोपों को हटा भी सकता है। इसके बाद जब इस मामले में आगे ट्रायल चलेगा तो ये मौका रहेगा ट्रायल के दौरान भी उनके वकीलों की तरफ से कि वो कोर्ट को कन्विंस कर सकता नहीं है। तो अभी कानूनी लड़ाई लंबी है, लेकिन अभी तक की जो जांच इस मामले में चल रही है, जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, वो निश्चित तौर पर लालू यादव परिवार के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है। इससे पहले राबड़ी यादव और उनकी दोनों बेटियों को चार्जशीट में आरोपी बनाया जा चुका है। लालू यादव और उनके दोनों बेटे भी कानूनी शिकंजे में हैं, क्योंकि दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में उनको पेश होना पड़ रहा है कोर्ट में। तो सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से केस में वो आरोपी हैं, चार्जशीट पर संज्ञान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी भी जब जैसे मुकदमा आगे बढ़ेगा उनके पास कानून राहत के विकल्प भी साथ साथ मौजूद रहेंगे।
अरविंद, लगभग किस वक्त तक पेशी हो रही है, समय क्या कुछ बताया जा रहा है? कुछ एक देर बाद, 5-7 मिनट के बाद उम्मीद ये कि कोर्ट में पेशी होने वाली है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। पटना के इस्कॉन मंदिर में वहां के प्रेसिडेंट के बड़े खेल का खुलासा हुआ। ये मामला तब सामने आया